लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आधी रात को दावा यह किया कि उन पर ईडी का छापा पड़ने वाला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 2-in-1 को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ईडी रेड की योजना बनाई जा रही है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद महाराष्ट्र में भी सियासत तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आजकल आक्रामक हैं। उनके तेवर तीखे हैं और अंदाज पहले से अलग। संसद में सरकार से सवाल करते करते उन्होंने रात के अंधेरे में भी सरकार को घेर लिया। गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। शुक्रवार की सुबह होते ही राहुल के पोस्ट पर सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने जोरदार निशाना साधा। भाई क्या डर है राहुल गांधी को? क्यों डर रहे राहुल गांधी? हमको अगर कैसा मालूम हो जाता है या किसी कार्यकर्ता किसी भी छोटे आदमी को मालूम होता है कि ईडी आने वाले, तो आने दो ना। अगर हमारे खिलाफ कोई जानकारी होगी ईडी के पास तो आएगी और क्या करना है करेगी। दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो छोड़ देगी। डरते क्यों हो? ऐसा अफवाह क्यों करते हो? ये सारा सिंपैथी लेने के लिए काम चल रहा है। राहुल गांधी जी फिलहाल अभी केवल नौटंकी करके खुद की इमेज बढ़ाने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से स्टेटमेंट कर चुके वो कि मोदी जी के खिलाफ वो कुछ देश में नैरेटिव सेट करे, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। लोकसभा में सारा झूठ बोल लिया है, अब सिंपैथी नहीं मिलेगी। इस बीच उद्धव गुट ने राहुल गांधी का समर्थन किया और बीजेपी को घेर लिया। जब जब सरकार डरती है ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूं। क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जिया उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। राहुल गांधी को ईडी की दस्तक सुनाई दे रही है चक्रव्यूह वाले भाषण की वजह से, जो उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान संसद में दिया। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। अब किसी को पता नहीं कि राहुल के खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है या फिर नहीं, लेकिन सियासत जरूर तेज है। राहुल के दावे के बाद ये बात पुख्ता हो गई है कि ईडी पूरी तरह से सियासी हथियार बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि किसकी, इस्तेमाल दोनों ओर से किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।